हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम सीरीज़ में लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने एपिगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल पेन की बात की थी और हमने सिम्टम्स के बारे में, कॉज के बारे में और इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या हो सकता है यदि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन है और आपको उस तरह के सिम्टम्स हैं और यदि एपिगैस्ट्रिक पेन कंटिन्यूसली बना रहता है और नॉर्मल जो आपने चीज़ें की हैं उसके बावजूद भी पेन कंटिन्यूसली स्पार्क करता है, फ्रीक्वेंटली पेन आता है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है। मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं उनको एपिगैस्ट्रिक पेन एक बहुत बड़ी समस्या है और वो उससे बड़े लंबे समय तक जूझते रहते हैं और वो सोचते हैं कि अरे गैस का दर्द है, लेकिन एपिगैस्ट्रिक पेन ऑलवेज गैस का दर्द नहीं होता, उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस इंडिकेशन हो सकते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि उसके कॉज क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को समझना है कि जो हमें इमीडिएटली बंद करनी है। यदि आप स्मोक करते हैं तो स्मोक बंद करिए, अल्कोहल यदि आप लेते हैं तो अल्कोहल स्टॉप करिए, मॉडरेट अल्कोहल इज ओके, बट यदि आप अल्कोहलिज्म है आपका और आप यदि सेडेटिव हैं और आपको अल्कोहल के बगैर यदि आप नहीं सर्वाइव करते हैं तो आपको कंटिन्यूस अल्कोहल के कंजम्पशन से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस जो आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स है लाइक मटन है, लाइक सोयाबीन है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, तो इन सब को भी आप अवॉइड करिए कुछ समय तक यदि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, क्योंकि डाइजेशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स करते हैं। कई बार जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड आप इमीडिएटली बंद करें। जो भी रिफाइंड फूड है यानी कि जो वाइट है, जो ब्यूटीफुल है, जो रिफाइंड है, जो प्रोसेस्ड है, वो फूड आपके डाइजेशन में डिफ़िकल्टी पैदा करता है तो आप उसको बंद कर दीजिए। जो भी रिफाइंड आप ले रहे हैं, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कॉज है, ओबेसिटी के कारण भी कई बार देखा है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है और एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। प्लस नॉन सेलेक्टिव जो मेडिसन्स हैं वो आप इमीडिएटली बंद कर दीजिए। यदि आप कोई पेन किलर लेते हैं विदाउट ए कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर तो आप बिल्कुल बंद करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड द सेफ पेन किलर ऑप्शंस पे आप जाएं। यदि एंटीबायोटिक्स या स्टीरॉयड आप रेगुलरली यूज करते हैं तो उससे भी आपको एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि जो आपके एंजाइम्स हैं, जो आपके प्रोबायोटिक्स हैं, जो आपके विटामिंस हैं जीआई फ्लोरा के अंदर, वो आपके एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड्स एंड पेन किलर, वो तीनों से ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं और आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सी ऐसी चीज़ें जो प्रॉपरली करें और कौन से ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो हम फॉलो करें, कुछ डाइटरी रिकमेंडेशन यदि फॉलो करें तो हम एपिगैस्ट्रिक पेन से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात है कि आप प्रॉपर लिक्विड डाइट लें। आई मीन टू से आपके टोटल जो फूड है उसमें लिक्विड इनटेक 65-70 होना चाहिए। दैट कंटेन मिल्क, आपका जूस प्लस वाटर। लेकिन मिल्क यदि डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो मिल्क अवॉइड करें, उसके जगह आप कर्ड ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं या दूसरे फॉर्म पे जा सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फाइबर्स एंड द प्रोबायोटिक्स, आप अपने खाने में प्रॉपर फाइबर लीजिए, प्रोबायोटिक्स लीजिए। फाइबर मीन्स आप दरदरा खाना लें, खिचड़ी दलिया खाएं, मल्टीग्रेन दलिया इज गुड ऑप्शन। और यदि फिर भी आपको स्टूल प्रॉपरली नहीं पास होता है और डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन सपोर्ट ऑफ द इसबगोला। प्रोबायोटिक्स में आप नेचुरल प्रोबायोटिक्स पे जाएं, एलोवेरा है जिसमें नेचुरल प्रोबायोटिक्स, आपका एप्पल है, आपका पपया है, आपका अमरूद है, ये आपके नेचुरल प्रोबायोटिक्स हैं तो आप इस पे जरूर जाएं। प्लस आपका जो वॉलनट है उसमें भी नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं तो इन ड्राई फ्रूट्स यू कैन इंक्लूड द वॉलनट। स्ट्रेस मैनेज करें, प्लस आप स्लीप को अच्छा रखें, स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करें। बेटर स्लीप डायरेक्टली आपके मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करती है और डाइजेशन में हेल्प करती है। एक्सरसाइज स्टार्ट करें, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, और उसके साथ आप योगिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगिक व्यायाम कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, स्लीप की क्वालिटी इन्हांस होगी और आपका जो जीआई रेट है वो रेगुलेट होगा। तो योगिक एक्सरसाइज इज़ अ गुड ऑप्शन। इसके बाद है कि नेचुरल ट्रीटमेंटल ऑप्शन क्या हो सकते हैं यदि हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। आप अपने लेवल पे कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो खुद से कर सकते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर से विजिट करने की जरूरत नहीं है। 24 आवर्स में एक बार मल्टीग्रेन दलिया खाएं या खिचड़ी खाएं। दूसरा, एक फ्रूट शामिल करें
कोई भी फ्रूट्स जो फाइबर कंटेन फ्रूट्स हो वो लें, प्लस लिक्विड डाइट प्रॉपरली एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास वाटर होना चाहिए, प्लस यदि एक एप्पल है तो बहुत बढ़िया है वरना 200 ml जूस हो सकता है कोई भी, प्लस डे टाइम में एक बार ईसब घोला खाएं 1 स्पून, और रात को आप त्रिफला खाएं, त्रिफला टैबलेट खा सकते हैं 4 टैबलेट्स, या फिर 1 स्पून त्रिफला पाउडर आप ले सकते हैं खाना खाने के आधा घंटे बाद लाइट हॉट वाटर से। सो ये आपका ट्रीटमेंटल ऑप्शन रहेगा। लेकिन यदि आपको दर्द बना रहता है तो एक नेचुरल हींग वास्तक चूर्ण है आयुर्वेदिक, वो आप 1 चम्मच गर्म पानी से खा सकते हैं फॉर द पेन मैनेजमेंट। लेकिन यदि इसके बावजूद भी पेन कंटिन्यूसली स्पार्क करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई अंडरलाइन रीजन होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, उसको रिपोर्ट करने की जरूरत है, आप गेस्ट्रो फिजिशियन या नॉर्मल फिजिशियन से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें। यदि ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपको एपिगैस्ट्रिक पेन बना रहता है तो ये सब एक डाइटरी रिकमेंडेशन है, ये सारी चीज़ें फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको एपिगैस्ट्रिक पेन में फ़ायदा होगा और आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।